हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आपको मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग यूट्यूब में किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, यूट्यूब में ग्रो करना कोई आसान बात तो है नहीं। अभी हम लोग ने 2022 में आ रहे हैं और कितने क्रिएटर हैं जो लाखों सब्सक्राइबर लिए बैठे हुए हैं वही एक ही नीच पर काम करते हुए। और आप सोचेंगे कि आप 10 तो या 20 तो सब्सक्राइबर लेके आप उन लोगों को बीट कर पाएंगे। सोचिए जरा, क्या यह पॉसिबिलिटी है कि हम लोग उन लोगों को बीट करें? उन बड़े क्रिएटर्स को बीट करने के लिए हमने कुछ अलग करना होगा। देखिए, अगर आप लोग मेरे वीडियो को अब तक देख रहे हैं आप तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हमें क्या करना है? बड़े क्रिएटर्स को फॉलो करना है, मोटिवेशन मिलेगा, कुछ अलग करना है, राह मिलेगी। जो भी हो, आपको ऐसा कुछ करना है जिससे कि हमें सर्च में आना है। तो देखिए, अभी तक जो मेरे वीडियो पे बने रहे वो प्लीज लाइक कर दे, क्योंकि आप जो मैं बोलने वाला हूँ सही में ये एक आपके लिए इंस्पिरेशन का काम जरूर करेगा। सब्सक्राइबर नहीं होते हैं या वीडियो पे ज़्यादा व्यूज नहीं होते तो डिप्रेशन आ जाता है। तो डिप्रेशन आने के बाद लास्ट में क्या करता है आदमी, तो कुछ सोचना पड़ता है कि अलग हट के क्या करना है अलग। तो मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की, तो डेफिनेटली उससे थोड़ा 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 करके मेरा व्यूज आना बढ़ गया है। तो देर से ही सही, लेकिन व्यूज आ रहा है। तो व्यूज आने के लिए हमें जो भी करना है यहीं पे करना है। तो आपको सोचना होगा कि आपको क्या करना है। तो देखिए, मैं आपको 3-4 नहीं करीब 20 तो टॉपिक बोलूँगा। तो पहले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक नंबर 1, हमें सोचना है कि हम लोगों को किस कैटेगरी में जाना। जो भी कैटेगरी ले आप, अपने हिसाब से अपना चॉइस के मुताबिक आप एक कैटेगरी चुन लें। किड्स टॉयस का बारे में है तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन सा एक छोटे से नीश पे आप जाए, एक आप माइक्रो नीश पे जाए। आप ऐसा ना करें कि आप किड्स का सारा कैटेगरी ले लें, आप माइक्रो से माइक्रो को पकड़ें, कोई एक ही टॉपिक पकड़ें और उसी टॉपिक पर करीब 10 से 20 तो वीडियो कंटिन्यूसली एक ही टॉपिक पे होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज आपने किस का कार्टून बना दिया, कल आप जाके किस का कोई लर्निंग का ऐप बना दिया, कल जाके आप किस का कुछ प्लानिंग का वीडियो बना दिया, उससे डिमोटिवेट हो जाएगा। इससे आपका चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं रुकेंगे। आपको जो भी करना है कोई एक परफेक्ट नीश लेके करना है। तो पहले नंबर नीश क्या है, आप जो भी नीश पे करें, माइक्रो नीश पे करें, उसी एक सर्चेबल टॉपिक पे आप खोजे उस टॉपिक को खुद से। और उसके बाद उसके लिए कौन सा वीडियो बनाएंगे, आप अपने पेपर और पेन पे लेके कंटिन्यूस कम से कम 20 तो वीडियो के लिए आप रेडी कर लें। उसके बाद आप एक 1x1 उसको अपलोड करें, आप उसको बनाएं, उसके बाद उसको आप 1x1 अपलोड करें। ऐसा नहीं हो कि आज आपने एक अपलोड किया, 10 दिन के बाद फिर दूसरा अपलोड कर रहा है, फिर उसके बाद आपके आपने आके और एक अपलोड किया, ऐसा नहीं। आप कंटिन्यूसली वो करिए। जैसे कि मान लीजिए आप एक दिन पे पर डे आप वीडियो बना रहे हैं, तो आप कम से कम 5 तो वीडियो बना ले। आज एक वीडियो डाला तो कल एक दूसरा वीडियो डाल लिए, परसों एक तीसरा, और ये 3 दिन के बीच में आप नेक्स्ट कोई दूसरा एक वीडियो आप बना के रेडी रखें कि आपके पास स्टॉक होना चाहिए कि संडे को कौन सा जाएगा, मंडे को कौन सा जाएगा, ट्यूजडे को कौन सा जाएगा। वो वीडियो आप कंटिन्यूसली अपलोड करें एक ही टाइम पे, और उसके बाद उसी टाइम पे आप अलग वीडियो बनाते भी रहे और नेक्स्ट 5 तो के लिए बनाते रहे। तो क्या होगा, आप एक कंटिन्यूस पैटर्न पे आप चला जाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि आज आपने एक वीडियो बना लिया तो लगीलग आप अपलोड कर दिया, नहीं। आपको अपलोड करने का तरीका मैं ज़रूर सिखाऊंगा। तो पहला नीश हो गया किड्स का, किड्स वाला नीश। दूसरा नीश क्या है सोचिए, आपको कौन सा नीश पे आपको काम करना है आपको सोचिए। तो मेरा तरफ से दूसरा नीश है ब्लॉगिंग का। ब्लॉगिंग बोले तो सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं, ब्लॉगिंग के साथ आप ट्रेवलिंग का भी रखिए, ठीक है। तो ट्रेवलिंग का नीश एक ऐसा नीश है जहाँ पे आप सबसे आसान नीश वही है, आप घूमिए फिरिए, ठीक है, और लोगों को उसके बारे में जानकारी दीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए, मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं आसाम से हूँ, मुझे अभी जानना है दिल्ली के बारे में, या मुझे जानना है राजस्थान के बारे में,
तो देखिए वहाँ भी आपको माइक्रोनीस पे जाना है, ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान का पूरा राजस्थान आप मुझे घुमा रहा है। राजस्थान में बहुत सारा है, राजस्थान में क्या फेमस है, ट्रेवल का वीडियो में भी बहुत सारे नए माइक्रोनीस हैं। आप जिस जगह से हैं, मान लीजिए आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान में क्या फेमस है उसके बारे में बोलिए, एक नंबर। दूसरे नंबर, राजस्थान का भीतर कौन सा चीज सस्ते में पाए जाते हैं वो बोलिए, उसको किस तरह से उस जगह पे पहुंचना है, कहाँ से उसको कौन सा रेलवे से जाना होगा, कौन सा स्टेशन में उसको ड्रॉप करना होगा, उसके बाद क्या गाड़ी से उसको पिकअप करके जाना है, कौन से जाने क्या करने से उसको आसानी होगा, उसका सहूलियत दीजिए। तो देखिए आप अपने आप ग्रो करने लगेंगे आपका चैनल। हाँ डेफिनेटली सांस में कमती आएगा, लेकिन जो भी वॉल्यूम आएगा वो आपका पूरा वीडियो देख के जाएगा। मान लीजिए आप दिल्ली का है, दिल्ली का गांधीनगर है, ठीक है, टैंक रोड है, उसके बारे में जानकारी दीजिए, जो भी व्यापारी है वो देखेंगे आपका वीडियो। तो देखिए माइक्रो से माइक्रोनीस में जाना है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको, और उस माइक्रोनीस का जो भी आप माइक्रोनीस में जाए उसका करीब 20 तो वीडियो आप रख लें कॉन्टिन्यूसली, वो 20 तो वीडियो प्ले होना चाहिए आपका वन बाय वन। उसके बाद सर्चेबल टाइटल किस तरह से लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखेंगे, टैग किस तरह से लगाएंगे, ये अलग। मैं आज सिर्फ आपको निशेष के बारे में बोल रहा हूँ। ये हो गया हम लोग का दूसरा निश, सेकेंड नंबर निश ट्रेवलिंग। तो हम लोग का थर्ड निश है, जी हाँ हम लोग का थर्ड निश है यूट्यूब। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना है, यूट्यूब खुद ही एक बहुत बड़ा निश है। तो देखिए अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो कहाँ पे बना, किसके लिए बना रहा हूँ, यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। तो यूट्यूब एक ऐसा निश है जिसमें अभी तक हजारों लाखों करोड़ रुपया, ठीक है, क्रिएटर्स ने यहाँ से लेके गए हैं बड़े। तो अभी आपको भी इसमें काम करना है, जो मेरे वीडियो अभी तक देख रहे हैं, यहाँ तक जो भी रुका है, डेफिनेटली उसको यूट्यूब में काम करना है। तो देखिए यूट्यूब में काम करना है तो अगर आपको, तो कुछ आगे का बारे में सोचना होगा, आज से एक साल बाद क्या ट्रेंड आ सकता है, दो साल बाद क्या ट्रेंड हो सकता है, आपको अभी से उसका प्रिपरेशन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ, अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी लाखों का सब्सक्राइबर लिए बैठे वाला आदमी को कभी भी बीट कर नहीं पाएंगे। आपके पास 100 सब्सक्राइबर होगा, 200 सब्सक्राइबर होगा। तो यूट्यूब में आपको रहने के लिए, यूट्यूब का एल्गोरिथम आपका वीडियो वायरल करने के लिए, जो आदमी अभी देखने के लिए मांग रहा है, जो आदमी खोज रहा है, उस पर आपको काम करना होगा, उस पर आपको फोकस करना होगा। तो इसके बारे में आप रीड कीजिए, सोचिए। देखिए खुद से आपको कुछ करना होगा, बिना सोचे आप यहाँ पे कुछ करेंगे या आप कुछ भी एक वीडियो जस्ट ला के पब्लिश करेंगे और वो सोचेंगे कि वो वायरल हो जाए, वो बहुत कम लोगों का ऐसा होगा। देखिए आपको करना है तो आपको परफेक्शन के साथ करना होगा। तो देखिए मैंने आज अभी तक आप लोगों को तीन निशेष के बारे में बोला है, मेरे आगे आने वाला वीडियो पे कॉन्टिन्यूसली बाकी निशेषों के बारे में बताते रहूँगा। और देखिए अगर हम लोगों को यूट्यूब पे सक्सेस होना है तो कॉन्टिन्यूस पैटर्न रहना ज़रूरी है, इसलिए मैं भी कॉन्टिन्यूस रहूँगा आपके साथ यूट्यूब पे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए कि मैं आगे आप लोगों को इससे अच्छा अच्छा कॉन्टेंट दे सकूँ। टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन किस तरह से हमें लिखना है वो मैं बोलूँगा। देखिए बड़े क्रिएटर हम लोगों को घुमा के रखेंगे, वो लोग इतना अभी बड़े हो गए ना कि वो लोग जो भी बोलेंगे उसको सुन के फ्लो करके आप कितना दूर सक्सेस हो पाएंगे वो मुझे मालूम नहीं। अगर आप लोग उसको सुन के फ्लो करके सक्सेस हो गया है तो गुड लक, आप उसी वहीं पे रहिए। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए। थैंक यू।